जय श्री गुरु महाराज जी की जय। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। सबके मकान दिल का मकीन, तू कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। सबके मकान दिल का मकीन, तू कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। हर एक दिल में तू ही समाया, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, फर्श जमीन तक
अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्श बरी तक, अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्श बरी तक, जा मैं देखा तू ही नजर आया, जा मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सोचा समझा देखा भला, तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, सोचा समझा देखा भला, तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, अब ये समझ में जफर की आया, अब ये समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तो ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः।
वक्रतुंडमहाकाय सूर्यगौरी समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतीप्रदे वसत्वं मम जिवाग्रे सर्वविद्याप्रदाभव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दनमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यम ब्रव्रजन्दमनुभेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय के अंदर में हम उस तत्व का दर्शन करने का प्रयास करें जहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को बताते हैं कि कौन सा मनुष्य सुखी है।
और हम कैसे विषयों से बंध गए हैं उसका बताते हैं, वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर तत्वार्थ है। नथ चल दू नारायण। नारायण 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 नारायण। तो हम चिंतन करें कि हम गुणों से बद कैसे गए। कल जो हम दर्शन कर रहे थे, जब हमने किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुणों का चिंतन किया तो उससे हम आसक्त होकर बद गए। हम कब बदते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के अंदर में गुण का चिंतन करते हैं, किसी वस्तु में गुण का चिंतन करते हैं और किसी स्थान में गुण का चिंतन करते हैं, तब हम उससे बद जाते हैं। तो बोले, अब जब गुण का चिंतन करना है तो वस्तु व्यक्ति और स्थान के गुणों का चिंतन क्यों करते हो मानव? तुम करो भगवान के। बोले, भगवान के गुणों का चिंतन करो। बोले, उनके गुणों का ध्यान करो। इसलिए कहा ना, कल दर्शन किया था, प्रेम कहाँ होता है, प्रीति कहाँ होती है? जिसकी हमें बार बार पुनः पुनः याद आती है। जो कार्य हम पुनः पुनः करते हैं उसको करने का फिर हमारा मन बन जाता है, उसमें प्यार आने लगता है, प्रीति आने लगती है। तो पुनः पुनः कौन सा कार्य करेंगे? भगवान नाम स्मरण का। गुणों का ध्यान किसका करेंगे? भगवान के गुणों का। और यह अभ्यास से आता है। इसलिए कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अतः गुण के ध्यान से ही कामना आती है। हमारे मन में कामना कैसे आती है? तो बोले, जितना हम गुणों का ध्यान करेंगे, माँ ने संतान के गुणों का ध्यान किया, माँ संतान से प्रीति करती है। भार्या अपने स्वामी में, मातृपा नारी अपने स्वामी में गुणों का ध्यान करती है, इसलिए उनसे प्रीति करती है। कोई प्रभु पुरुष अपनी भार्या का गुणों का चिंतन करता है तो उससे प्रेम करता है। मित्र मित्र के गुणों का चिंतन करता है तो उससे प्रेम करता है, प्रीति करता है। हम वस्तु से प्रीति करते हैं क्योंकि वस्तु के गुणों का ध्यान करते हैं। स्थान से प्रीति करते हैं क्योंकि स्थान के गुणों का ध्यान करते हैं। अब जब मनुष्य यह कामना करता है तो यदि समझदारी है तो मनुष्य इसके रहते हुए भी इससे छुटकारा पा सकता है। सुंदर तत्वार्थ है, देखने का प्रयास करें। बोले, कैसे मनुष्य इसके रहते हुए भी इससे छुटकारा पा सकता है? एक बात यह आई, अब दूसरी बात बताते हैं। इस बात का चिंतन करेंगे बाद के श्लोकों में। विषय रहते हुए भी हम यदि समझदारी से काम ले, गुण देखते हुए भी यदि समझदारी से काम ले, तो हम इस गुणों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम समझदारी से कार्य नहीं लेते हैं, काम नहीं लेते हैं, तो क्या हो जाता है? बोले, हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। कल चिंतन किया था, बुद्धि उल्टी हो गई। बुद्धि उल्टी हो गई तो क्या हुआ? बोले, इस देह को ही हमने आत्मा समझ लिया। जो अनात्मा है उसको हमने आत्मा समझा। ये देह अनात्मा है, नाशवंत है, उसका नाश होने वाला है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, इसको हमने आत्मा समझ लिया। और जो आत्मा है उसको अनात्मा समझा।
जो हमारा आत्मा है उसका तो हमने चिंतन ही नहीं किया, समझना भी दूर की बात रहती है। जो कल बताया था, कल हमने दर्शन किया था, हमको अपने स्वयं का ही परिचय नहीं है कि हम कौन हैं। हम वही नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, लेकिन हम स्वयं क्या करते हैं और कौन है वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए गीता के अंदर में भी भगवान यह बात बताते हैं कि जो काम के वेग को, क्रोध के वेग को सह लेता है वही मनुष्य युक्त है और वही मनुष्य सुखी है। जो काम के वेग को सहन कर लेता है, क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, श्री रामकृष्ण देव इसलिए कहते हैं स श और स, तालव्य दंतव्य एवं मूर्धन्य, ये तीन स है हमारे वर्णाक्षर के अंदर में। उस स क्या है, सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहन करेगा वो रह पाएगा, जो सहन नहीं करता है उसका नाश होता है। प्रथम सोपान का अर्थ क्या है, हम लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, अरस परस में रहते हैं, तो एक दूसरे के स्वभाव को हमें सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे की मर्यादा को सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे के दुर्गुणों को सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे को हमें अनुकूल बनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। जो सहन नहीं करेगा उसका नाश होगा। हम सहन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये प्रथम सोपान का व्यावहारिक अर्थ है। द्वितीय सोपान गूढ़ार्थ में जाए तो कहते काम एवं क्रोध के वेग को सहन करो। जो उसको सहन नहीं करता है और सहन किए बिना जो उसका अनुसरण करता है उसका नाश हो जाता है। काम और क्रोध के वेग को, कृपा करके हम इस बात पर थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। गीता के अंदर में भगवान यही बात हमें बता रहे हैं। श्री रामकृष्णदेव ने वही बात सरल अर्थ में गूढ़ार्थ के साथ हमारे सामने प्रस्तुत की है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भयं वेगं स युक्त स सुखी नरः। भगवान गीता में कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही व्यक्ति युक्त है और वही व्यक्ति सुखी है, अन्य कोई सुखी नहीं है। जो इस वेग को सहन कर ले, देखिए हमारे मन में सब समय काम और क्रोध के वेग चलते रहते हैं। काम का वेग आया और हमने यदि काम का भोग कर लिया, क्रोध का वेग आया और क्रोध का भोग कर लिया, तो हम सुखी कभी नहीं बनेंगे, हम दुखी ही रहेंगे। बोले मृत्यु के पश्चात तो इसके इस शरीर का नाश हो जाएगा, बाद में ये वेग होने वाले नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद की अवस्था का वर्णन नहीं है। ऐसा मत समझिए कि भाई जब मौत आ जाएगी तब तो वेग शांत हो जाएगा ना, फिर क्या, फिर क्यों अभी से उसको सहन करने का प्रयत्न करें। जी ना, बोले देह त्याग के पश्चात जो काम क्रोध वेग जो है, काम और क्रोध के जो वेग है वो निःशेष हो जाएंगे, इसलिए बोले जीते जी इसके वेग को सहन कर लो और सहन करके अपने को सुखी बनाओ। कोई भी वेग है उसको सहन करना पड़ेगा। जो कल से हमने दर्शन कर रहे थे बिंदु का,
एनिमल्स बिहेव इंस्टिंक्टली, प्राणी बिना सोचे कार्य करता है अचानक, मनुष्य सोच करके कार्य करता है। इसलिए चरित्र की वह परिभाषा याद कीजिए, हमारी भावनाओं को अंकुशित करके उसको शुभ कार्य की ओर प्रसारित कर देना, उसका नाम है चरित्र। इमोशंस कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड टू वर्क इज नोन एज कैरेक्टर। तो बोले जब मन में ये वेग उठता है और काम क्रोधादि का वेग चित्त में ही उठता है, और यदि चित्त में आ जाने पर भी यदि उसकी हम प्रतिक्रिया शारीरिक रूप में नहीं करते हैं, उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया होने से पूर्व ही उसे यदि हम रोक लेते हैं, तो वह पुरुष सुखी है, वह पुरुष युक्त है। गीता में भगवान मधुसूदन साफ शब्दों में कहते हैं, काम और क्रोध के वेग को शरीर में उसकी प्रतिक्रिया होने से पूर्व ही हम यदि रोक लेते हैं, तो वह व्यक्ति युक्त है, सुखी है। और उससे भी बढ़कर के एक स्थिति है, बोले इन काम क्रोधादि वेगों का कोई भी प्रतिक्रिया, मानी इन काम क्रोधादि वेगों का शारीरिक चिन्ह भी प्रकट न हो, उसका कोई शारीरिक चिन्ह भी प्रकट न हो, वो उत्तमोत्तम स्थिति है। वेग आया लेकिन उसका कोई शारीरिक चिन्ह प्रकट नहीं हुआ है शरीर में, अर्थात अभ्यास करके, अभ्यास और वैराग्य से जिसमें यह सामर्थ्य प्रकट हो जाता है कि बस कि शरीर में इनके चिन्ह ही प्रकट नहीं होते काम और क्रोध के, वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति युक्त है। बोले शुभ तो यही है, अच्छा यह है कि शरीर रहते हुए ही ये सब विकार हमारे मन से चले जाने चाहिए, करना पड़ेगा, साधक को करना ही पड़ेगा, वो उससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हु, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ऊपर से भले ही किसी महापुरुष के अंदर में क्रोध का वेग आ गया, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो महापुरुष क्रोध के आवेग में आ गया। जीना कई बार देखने में आता है, महापुरुष लोग कभी कभी क्रोध करते हैं, किसके लिए क्रोध करते हैं, जगत के कल्याणार्थ, साधक के कल्याणार्थ, उपासक के कल्याणार्थ, लेकिन उनका उनके मन पर कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को विषय से अलग कर दिया है। वो कोई द्वंद में नहीं है। महापुरुष लोग साधक, उपासक, भक्त, विरक्त, उसके कल्याणार्थ क्रोध करते हैं कचित कचित। देखिए क्रोध के शारीरिक चिन्ह हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, लाल हो जाता है, दांत कचकचाने लगते हैं, कोई कोई समझिए, कोई 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 न बोलने का बोलना शुरू कर देता है, ये सब शारीरिक चिन्ह है। शरीर हमारा गर्म हो जाता है, अपना विवेक हम खो बैठते हैं, कहाँ हैं, किसको कह रहे, क्या कह रहे, कुछ भी नहीं रहता है, ये सब शारीरिक चिन्ह है। और काम क्रोधादि क्या है, जब काम और क्रोध का वेग आता है तो हमारे अंतःकरण में आग प्रकट होती है। बोले अंतःकरण में तो हमें भगवान को बिठाना है, भगवान बैठे हैं हमारे हृदय में, और भगवान तो शीत की जगह में है, कमल पर
भगवान बैठे हैं, और जब हम क्रोध करते हैं तो वो तो जल गया, भगवान चले जाते हैं वहां से। काम और क्रोध को अग्नि की उपमा दी गई है, इसलिए जब काम और क्रोध का वेग होता है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु गंधेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत। उसका गुणार्थ यही है, जहां इंद्रियों ने विषयों का स्पर्श किया, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, क्या हुआ विषयों का स्पर्श करने से, हमारा शरीर यदि गर्म होता है या ठंडा होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। जब गर्म हुआ है तो काम क्रोध का वेग है। आगमा अपायिनो अनित्याहा, भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट अक्षरों में, जो आया है वो जाने के लिए आया है। तो आया है वेग, आया है मानव, उसे सहन कर लो। सहन करने में बहादुरी है, उसकी प्रतिक्रिया करने में कोई बहादुरी नहीं है। जो सहन कर लेता है उसके भीतर की शक्ति कितनी अद्भुत बनती है, उसके चरित्र का निर्माण बनता है। जो कल हमने दर्शन किया था, आज का आधुनिक मानव पश्चिमी विज्ञान से, पश्चिमी कुछ चिंतकों को पढ़ लिया तो कहता है कि आप लोग सहन करते हैं वो तो आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं। कतई हम इच्छाओं को दबा नहीं रहे हैं, हम हमारी इच्छाओं को सुनियंत्रित कर रहे हैं। जो सरोवर सरिता के वेग को अपने में धारण कर ले, वो सरोवर में शक्ति कितनी होती है, ठीक इसी प्रकार है यह। जब हम कोई भी भावना को, कोई भी वेग को सहन कर लेते हैं तो हमारी भीतर की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जो सहन नहीं करता है वो तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं व्यवहार में भी, जो छोटी छोटी बाबतों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर में भीतर की मानसिक शक्ति इतनी होती नहीं है, वो कुछ धारण नहीं कर पाते हैं, उनके इतना चरित्र का बदलाव नहीं आता है, उनमें सहन करने की शक्ति बहुत ही कम मात्रा में रहती है। फिर तो बोले, काम और क्रोध के वेग को सहन करो, उसको सुनियंत्रित करना है। और इस वेग को जो सहन करके उसको सुनियंत्रित करेगा वही युक्त है, वही सुखी है। जो इसकी प्रतिक्रिया करना शुरू करेगा, कामी तो फिर भोगी हो जाता है, रोगी बनता है कामी। और काम का भोग हम सब ने किया और हमारी क्या दुर्दशा हुई हम सब लोग जानते हैं। अशांति दुख क्लेश उसमें हम गर्त हो गए। इसलिए कहते हैं हमारा आचार्य महात्मा लोग, गुरु प्रदत्त परंपरा शास्त्र एक स्वर से कहते हैं, मानव इसके वेग को सहन करो। शास्त्र में काम और क्रोध को अग्नि का ही स्वरूप माना गया है। और जब अग्नि जलती है तो क्या होता है, भीतर से हम जलते हैं। काम का वेग आता है तो व्यक्ति भीतर से जलता है, क्रोध का वेग आता है तो व्यक्ति भीतर से जलता है। हम जलने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहां परमानंद और शांति में बैठने के लिए आए हैं। और क्रोध जो है वो पाप का चिन्ह है, याद रखिए। कल जो हमने दिखा था, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते,
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो सब श्लोक याद रखना है। उस श्लोक के भावार्थ को अपने मन में याद रखिए। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस श्लोक के भावार्थ को भी याद रखना है। और साथ साथ में इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे हम। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अब भगवान कहते हैं क्रोध से हमारा सर्वनाश होता है। शास्त्र ने यहां तक कहा, महात्मा लोग यहां तक कह देते हैं। हम जब एक बार क्रोध करते हैं तो हमारे एक माह के जप, ध्यान, दान, व्रत, पुण्य, तप, उसका फल वो नष्ट कर देता है। जहां एक बार क्रोध किया तो एक माह के जप, तप, ध्यान, दान, व्रत, जितनी हमने तपस्या की है उसका नष्ट हो गया। अब देख लीजिए, हम साल में 12 बार क्रोध करें तो क्या हो गया? पूरे साल का तपस्या नष्ट हो गई, पूरे साल का जप, ध्यान, दान, व्रत सब कुछ नष्ट हो गया। अब चिंतन कर लीजिए। देखिए, घर में जब चोरी और डकैती होती है तो कुछ बच जाता है। चोरों के हाथ सब तो लगता नहीं है। मान लीजिए 80% लग गया तो 20% तो बच गया है। चोरों के हाथ डकैती जब होती है तब 100% माल वो नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन जब आग लगी तब, और जब आग लगती है तब सर्वथा सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी तरह से भीतर में जब काम और क्रोध की आग लगती है ना, तब सर्वथा सब कुछ हमारा वो नष्ट कर देता है। क्रोध आग का स्वरूप है और जब वो आग लगती है तब सब हमारा वो नष्ट कर देता है। उसी प्रकार कहते हैं ये काम, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य जो कुछ है वो पुण्य से बच भी सकते हैं, परंतु क्रोध से सब कुछ स्वाहा हो जाता है। क्रोध इतना खतरनाक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, क्रोध इतना खतरनाक है उससे क्रोध आने पर हम लोग हमारा जप, ध्यान, तप, व्रत, दान, पुण्य जो कुछ किया है सब नष्ट हो गया। बोले सावधान हो जाओ साधु, सावधान। बोले क्रोध को सर्वथा त्यागो। अत्यंत कष्ट पड़ने पर भी या महान से महान प्रशंसा होने पर भी, बहुत प्रशंसा हुई, महान सुख प्राप्त हुआ, कष्ट हुआ और महान सुख भी प्राप्त हुआ, शत्रु के आक्रमण यदि हो रहे हैं या फूलों की वर्षा हो रही है, निंदक निंदा कर रहे हैं या स्तुतिजन हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, उन सब द्वंद्वों के अंदर में हम समचित्त होकर के बैठे रहे। बोले ये लोग जो माला पहनाते वो तो इस शरीर को माला पहना रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं तो इस शरीर की कर रहे हैं, ये जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो तो गुण के कारण कर रहे हैं, गुण मेरे नहीं है, गुण तो प्रकृति के है, आत्मा का कोई गुण नहीं होता है और मैं आत्मा हूं, तो जो मैं नहीं हूं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे, तो मुझे उससे क्या लेना देना है,
कोई फूलों उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले बैठे हैं मस्त प्यारे। कोई कुछ भी कर ले, इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध किस साधन से रोका जा सकता है वो चिंतन करो। बोले राग द्वेष से चित्त न बिगड़ने पाए, तुम्हारा चित्त राग के कारण द्वेष के कारण बिगड़ नहीं पाना चाहना, बिगड़ नहीं जाना चाहिए। बोले इस क्रोध को हम कैसे रोका जाए, काम के वेग को कैसे रोके। बोले कौन से साधन से रोक पाएंगे, तो शास्त्र बताता है, महात्मा लोग बताते हैं, एक स्वर से, एकमात्र विचार से ही रोका जा सकता है। और विचार करना है, यदि काम क्रोधादि की वृत्ति हो तो उससे समझो, जब हमारे मन में काम और क्रोध आता है तो हमें चिंतन करना है। जब हमारे भीतर में इस शरीर के प्रति अहम बुद्धि आती है तभी क्रोध आता है, इस शरीर के भीतर में जब अहम बुद्धि आती है तभी काम का वेग आता है। यदि काम क्रोधादि की वृत्ति हो तो हमें समझना है कि मेरी देह में अहम बुद्धि हो गई है, मैं पना हो गया है, क्योंकि बिना देह बुद्धि काम और क्रोध विकार आते नहीं है। इसलिए हम लोगों को पतंजलि योग सूत्र बताते हैं, बोले प्रतिपक्ष भावना करो, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार करो। जब काम क्रोध का वेग आता है, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो विकार शांत हो जाएंगे। लेकिन जहां विकार आए और तुरंत हमने मन का दरवाजा खोल दिया, बाद में वो विकार क्या करते हैं, हमको भेंट पड़ते हैं, गले लग जाते हैं हमारे, और फिर हमें कहते हैं तुमको जाना है तो जाओ, हम यहां से अब जाने वाले नहीं है, फिर हमारा सर्वनाश होता है। जिसको जो वस्तु प्रिय है वही उसका काम बनती है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें हम लोग, महात्मा बहुत सुंदर समझाते हैं, हमारे लिए जो वस्तु प्रिय है वही हमारा काम है, चाहे वह वस्तु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, घर हो, द्रव्य मानी संपत्ति हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है वही हमारा काम है, और उसको छोड़ने में ही, उसका त्याग करने में ही बहादुरी है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुहु, त्यागात शांति निरंतरम। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं एकमात्र त्याग से ही शांति मिलती है, एकमात्र त्याग से ही हमें सुख प्राप्त होता है। तो कहते त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुहु, कितनी बढ़िया बात बताते हैं भगवान, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। बोले तुम त्याग करो, तुम्हारी जो प्रिय वस्तु है, अति प्रिय वस्तु है, उसका बोले तुम त्याग करो, मन से त्याग करो। बोले हम तो स्वामी जी गृहस्थ है, बोले मन से त्याग करो। इसलिए प्रिय और अप्रिय वस्तु का दर्शन एवं वर्णन और चिंतन करना ही काम क्रोध से बचने का उपाय है। बोले इस काम क्रोध से अब हम बचे कैसे, बोले उसका चिंतन, उसका वर्णन और उसका दर्शन मत करो।
कोई प्रभु की श्रीमातृपार नारी के प्रति आकृष्ट है तो उसका दर्शन न करो, बोले उसका वर्णन न सुनो, उसका उसकी चर्चा मत करो। वैसे ही मातृपा नारी किसी पुरुष के प्रति आकर्षित है तो बोले उसका दर्शन मत करो, उसकी चर्चा मत करो, उसके गुणों का ध्यान मत करो, तो क्या होगा? बोले हम सुखी हो जाएंगे, उस वेग को सहन कर पाएंगे, तब सहन करने की शक्ति आएगी। जो कामी है, क्रोधी है, वह दुखी होता है। जो काम क्रोध के वेग का गुलाम नहीं बनता है वो सुखी बनता है, और जो काम क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाता है वो दुखी बन जाता है। उसके प्राण में सर्वदा दाह होता है, जलता है भीतर से। बोले सावधान साधु, सावधान। इसलिए कहते हैं काम और क्रोध के विकारों को सहन लो, सहन कर लो। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं स वे काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। काम का मूल यह है कि जब हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति वस्तु और स्थान में बहुत गुण हैं, भोजन में बहुत गुण हैं, मोबाइल में बहुत गुण हैं, इस व्यक्ति में बहुत गुण हैं, उस स्थान में बहुत गुण हैं, बस फंस गए धीरे धीरे। तो गुण सोचते सोचते हमारे मन में उसके प्रति चाह आ जाती है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके प्रेमी बन जाते हैं, उससे आसक्त बन जाते हैं। इसलिए कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांसु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। बोले अन्य के गुण भी मत देखो, अन्य के दोष भी मत देखो। गुण और दोष तो केवल हम परमात्मा का ही देखेंगे, और जब परमात्मा का दर्शन करते हैं तो केवल गुण ही गुण हमें दिखाई देते हैं, बस। अब आगे के श्लोक में इसलिए भगवान कहते हैं करोति काम वशत्रह कर्मण्य विजितेन्द्रियः, करोति काम वशगह कर्मण्य विजितेन्द्रियः दुःखोदरकाणि संपश्यन् राजो रजो वेग विमोहितः। दुःखोदरकाणि संपश्यन् रजो वेग विमोहितः। बोले जब मनुष्य काम के अधीन हो जाता है तो क्या होता है? जब मनुष्य काम के अधीन होता है तो काम शांति का हरण कर लेता है, हम शांत नहीं रह पाते हैं, हम कुदाकुद करते हैं, चंचल हो जाते हैं, इसको पकड़ू उसको पकड़ू, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यह बोलू वह बोलू। काम हमें शांति से बैठने नहीं देता है, और जिसके मन में कामना आती है, चाहे वह धन की कामना हो, व्यक्ति को प्राप्त करने की कामना हो, किसी स्थान को प्राप्त करना की कामना हो, जो श्री रामकृष्ण देव हमें समझाते हैं कामिनी कांचन, तो कामिनी या कांचन की कामना हो, पद की कामना हो, प्रतिष्ठा की कामना हो, संपत्ति की कामना हो, ख्याति विख्याति की कामना हो, स्त्री पुरुष की कामना हो, जिसके भी मन में कामना आवेगी वह उसको खटा करके छोड़ेगी। खटा करके छोड़ेगी अर्थात मेहनत करवा करके छोड़ेगी। कहते हैं ना खटना पड़ेगा। जब हमारे मन में कामना आई, कोई भी कामना, व्यक्ति वस्तु और स्थान को प्राप्त करने की, पद प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति आकांक्षा ख्याति विख्याति जो बोलना है बोल लीजिए, तो क्या होगा? बोले हमको खटा करके छोड़ेगी वो।
माने उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। कामना फिर श्रम करवाती है। बोले राम के वश में हो जाएंगे तो राम हमें शांति देते हैं। राम शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है, रावण काम का प्रतीक है। इसलिए रावण सबको रुलाता है, श्री राम सबको आनंद देते हैं। पवित्रता सबको शांति देती है, आनंद देती है, पवित्रता देती है। राम कहते हैं कि भाई हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कार्य करने की हमें जरूरत नहीं है, आओ हमारे पास तुम बैठ जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। हम भगवान के पास बैठ जाते हैं तब हम शांत हो जाते हैं, और जगत के पास जब बैठते हैं तब चंचल बन जाते हैं। काम कहता है अर्थात जगत कहता है कि तुम हमारी शरण में आ जाओ तो तुम हम कोई ना कोई चीज ले आओ। तुम हमारी शरण में आए हो तो कोई ना कोई चीज ले आओ। बोले ये जगत का नियम है, काम यही कहता है। काम कहता है कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, यदि आ गए हो तो फिर कोई ना कोई चीज ले आओ, एक्स वाई जेड कोई भी। काम हमको बाहर की ओर दौड़ाता है, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् इक्षत आवृत्त चक्षुहु अमृतत्वम् इच्छन्। काम हमको बाहर की ओर दौड़ाता है, इसलिए हम लोग बाहर की ओर अधिक देखते हैं, हमारी भीतर की ओर दृष्टि नहीं होती है। कृपा करके आप पिछले सत्संग को अपने स्मृति पटल पर ले आएंगे तो पता चलेगा कि जब सत्वगुण बढ़ता है तब हमारे जीवन में धर्म आता है, और सूक्ष्म सत्वगुण से हमें स्थूल सत्वगुण का नाश करना है। उतना ही नहीं, सत्वगुण से हमें रजोगुण एवं तमोगुण का नाश करना है। रजोगुण क्या है? काम एवं क्रोध। तमोगुण क्या है? निठल्लापन, हिंसा, आलस्य, प्रमाद, प्रमत्त। तो जीवन को यदि अग्रसर बनाना है तो सत्वगुण की वृद्धि से हमें रजोगुण एवं तमोगुण का नाश करना है। कहते हैं कि भाई मनुष्य जब काम के अधीन हो जाता है तो उसे बहुत कर्म करना पड़ता है। फिर किसी के अधीन होकर के कार्य मत करो। यहीं से आया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोले किसी के अधीन होकर के कार्य मत करो, स्वतंत्रता रूप से कार्य करो। वर्क लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ स्लेव। स्वामी विवेकानंद यही बात बताते हैं कर्मयोग में, हमें स्वामी की तरह कार्य करना है, गुलाम की तरह कार्य नहीं करना है। गुलाम अर्थात कार्य करने से पहले, हम कार्य में प्रवृत्त होने से पहले हमको फल की आशा हो गई है। मातृपा नारी घर साफ रखती है तो उसे आशा रखती है कि घर के सदस्य या घर में आए हुए अतिथि, उसने जो सुंदर सजावट से घर को रखा है उसकी प्रशंसा करेंगे। उसने जो भोजन बनाया है उसकी उसके संतान, उसके पतिदेव, संबंधी, प्रियजन, आत्मीयजन, मित्रजन प्रशंसा करेंगे। प्रवचनकार प्रवचन करते हैं तो आशा रखते हैं कि लोग प्रशंसा करें हमारी। क्या हो गया? बोले गुलाम की तरह हम कार्य कर रहे हैं, स्वामी की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा व्यवस्थापक है, अच्छी व्यवस्था करता है तो यदि चाहना हो गई कि लोग हमारे कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करें, प्रवचन की, हमारे ज्ञान की प्रशंसा करें, तो क्या हो गया? वी हैव वर्क लाइक अ स्लेव। हमने वो कार्य गुलाम की तरह किया है, स्वामी की तरह नहीं किया है। गुलाम सदैव
दूसरे से अपेक्षा रखता है अपने कार्य की प्रशंसा की। लेकिन जो स्वामी होता है वो किसी के कार्य की किसी के पास से अपने कार्य के लिए प्रशंसा की भावना रखता नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, वर्क लाइक अ मास्टर नॉट लाइक अ स्लेव। हमें कर्म के गुलाम बनकर के कर्म नहीं करना है, कर्म के स्वामी बनकर के कर्म करना है। और कर्म के स्वामी कैसे बनेंगे? बोले जब मनुष्य में कामना आने पर वो कर्म करता है। हम लोग कहेंगे महाराज हम लोग तो कामना के कारण ही कर्म कर रहे हैं, यदि कामना नहीं आती तो महाराज हम भी तो महात्मा बन जाते, हम भी तो सत्व गुण में बैठ जाते स्वामी जी। अरे नारायण सुनो, बात सही है, यदि कामना नहीं होती तो हम कर्म नहीं करते, हमारे में कामना है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। महापुरुष लोग, संत महात्मा लोग कामना के कारण कर्म नहीं करते हैं, वो जगत के हित के लिए कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं फिर भी कहीं पर बंधते नहीं हैं। हमने इस सिद्धांत का विगत से दर्शन किया है, विस्तृत रूप से दर्शन किया है, क्योंकि महात्मा लोग, साधक जो अच्छे हैं, जो उच्च कक्षा के भक्त है, जो कर्मयोगी है, वो कामना के कारण कर्म नहीं करते हैं। स्वामी जी बताते लव फॉर लव सेक, लव फॉर लव सेक, उसी तरह से वर्क फॉर वर्क सेक। बस हम कार्य करने के लिए केवल कार्य करते हैं, हमारे फल की और कोई दृष्टि नहीं है। किसको प्रशंसा करनी है करे, ना करे ना करे, निंदा करनी तो खुशी से करे, हमारे सामने आकर के करे, प्रेम से करे। हमने तो करना था इसलिए हमने आनंद से यथा साध्य प्रयत्न करके अच्छी तरह से हमने कार्य करने की चेष्टा की, कर्मयोग करने की चेष्टा की। फिर लोगों को जो बोलना है बोले, पुरस्कार देना है तो दे, तिरस्कार करना है तो वो भी दे। तो कहते हैं मनुष्य जब काम के अधीन हो जाता है तब उसे बहुत कर्म करने पड़ते हैं। अरे भाई कर्म करने पड़ते तो करो ना, काहे को कर्म नहीं करते हो? बोले कोई कहता है भाई काम मत करो, कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है कर्म मत करो। बोले जब तुम्हारे में कामना आई तब तुमको बहुत कर्म करना पड़ता है, तो बोले कर्म मत करो तुम। बोले वो संभव नहीं है, वह करेगा ही करेगा। बोले वह करेगा कैसे नहीं? क्योंकि उसकी इंद्रियां उससे करवा रही है बलात् करके, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं हैं। मन कहता है इस दृश्य को देखो, कर्ण कहता है उसकी आवाज सुनो, चर्म कहता है कि इसका स्पर्श करो, जिह्वा कहती है कि इसका स्वाद लो, मुख कहता है यह बोलो, पैर कहता है कि वहां भागो, हस्त कहता है इसको पकड़ो। बोले यदि तुम्हारे में कामना आई तो तुमको कर्म करना पड़ेगा। बोले कर्म मत करो, लेकिन तुम बोले करेगा कैसे नहीं, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, बलात् करके उससे कार्य करवाती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। बोले मन में कामना हो, मन में कामना है हमारे, हमें ये प्राप्त हो जाए, वह प्राप्त हो जाए, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे मन में वस्तु व्यक्ति और स्थान के लिए कामना बनी है, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, हमारे में जो कुशलता है समाज उसकी नोंद ले, समाज उसकी प्रशंसा करे। बोले हमारे मन में जो कामना है, इसलिए हमारे मन में कामना है और इंद्रियां हमारी वश में नहीं है,
फिर तो मनुष्य को श्रम करना ही पड़ेगा, श्रम अधिकाधिक करना पड़ेगा। बोले अच्छा, काम भी कर लो तो बोले उसमें क्या आलस्य करना है। बोले फिर बोले काम करो और उसमें आलस्य क्या करना है। बोले रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति, अर्थात जो काम से, काम की इच्छा रखे, काम की मानी फल की इच्छा, यहां पर फल की इच्छा से लोग हमारी प्रशंसा करे, स्तुति करे, वाहवाह करे, हमको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ख्याति मिल जाए, विख्याति मिले, इस भावना से जो कर्म करते हैं वो है रजोगुणी एवं तमोगुणी लोग। तो बोले रजोगुणी तमोगुणी जब कार्य करेंगे तो नतीजे में क्या होता है, परिणाम में क्या होता है। बोले उनको दुख मिलता है, हम स्वयं उसके उदाहरण हैं। जब हम कोई कामना से कर्म करते हैं तो परिणाम में हमको दुख ही मिलने वाला है। हमने कामना की कि ये कार्य करके लोग हमारी प्रशंसा करें, 10 व्यक्ति है, 4 ने प्रशंसा की, 6 ने घोर निंदा की, बस खत्म हो गया, हम दुखी हो जाते हैं। अरे हमने तो अच्छा करने का प्रयत्न किया, लेकिन देखो ना वो कैसी कैसी बातें बोलते हैं हमारे बारे में जी, हम तो कितना कितना सिंसियर है, आप जानते नहीं, यू नो हाउ मच सिंसियर आई एम फॉर माई वर्क, हाउ मच सिंसियर आई एम, देन ऑल्सो पीपल स्पीक इल ऑफ मी, वॉट टू डू, एंड दैट गाय ही डजंट नो वॉट टू स्पीक ऑल्सो। बोले हम तो हमारे कार्य में कितनी सावधानी पूर्वक, कितने हम तो मनी अपनी भावनाओं को नियोजित करके वो कार्य करते हैं, फिर भी लोग हमारी निंदा करते हैं। और उस आदमी को तो बोलने की कोई तमीज ही नहीं है, जो मन में आता है बोल देता है, हम क्या करें, हम तो दुखी हो जा रहे हैं। रजोगुण और तमोगुण से कार्य कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे कार्य से हमें लोगों की प्रशंसा चाहिए, और जब लोगों की प्रशंसा चाहिए तो बोले दुख भुगतने के लिए तैयार रहो। तो कहते रजोगुण के वेग में आने से, रजोगुण और तमोगुण के वेग में पड़ने से हम जो कार्य करेंगे उसका परिणाम क्या निकलेगा, दुख ही निकलेगा। बोले काम करते करते हम थक जाएंगे, हम बहुत थक जाते हैं, फंस जाएंगे, जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ते हैं, आशा से, लोगों की प्रशंसा सुनने के लिए जुड़ जाते हैं। कहते हैं बुरे काम करते करते फिर नरक में जाएंगे। बोले अच्छे काम नहीं करेंगे तो बोले बुरे काम करो तो बोले नरक में जाएंगे, अच्छे काम करते तो लोग प्रशंसा भी करते निंदा भी करते, हम तो लोगों में फंस जाते हैं, दुख मिलता है, अशांति होती है, कष्ट मिलता है, बोले थक जाते हैं। तो बोले अब क्या करें, तो बोले जो रजोगुण और तमोगुण से विमोहित होकर रात दिन कर्म करता है बस उसी में वह फंस जाता है। आगे के श्लोक में इसलिए बताते हैं, क्या कहते हैं, रजस्तमोभ्याम यदपि विद्वान विक्षिप्तधीहि पुनः अतंद्रितो मनो युञ्जन दोष दृष्टिर्न सज्जते। बोले अब ऐसी व्यवस्था है तब तो दुनिया में कोई बोले दुख से छूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब लोग तो महाराज कामना से ही कर्म करते हैं, और जब कामना से कर्म करते तो बहुत कर्म करने पड़ते हैं, श्रम बहुत करना पड़ता है, और जब बहुत कर्म करते तो कर्म में हम फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, प्रशंसा से सुखी होते लेकिन निंदा इतनी होती कि निंदा के मार से हम दब जाते हैं, फंस गए। बोले बात ऐसी नहीं है, बोले बात तो दुष्ट बुद्धि की बात कही गई है। बोले जो बुद्धि विषयों में फंस जाती है वही बुद्धि दुख प्राप्त करती है। कृपा करके इस तत्वार्थ का श्रवण हम ध्यान से करें, बहुत सुंदर है।
बोले ऐसी बात नहीं है, सब लोग फंसते हैं ऐसी बात नहीं है। दुष्ट बुद्धि की बात कही गई है यहां पर। दुष्ट बुद्धि का क्या है? जो विषयों में फंस जाती है, और जो बुद्धि विषयों में फंस जाती है उसका सर्वनाश होता है, वही दुख को प्राप्त करती है। यदि मनुष्य विद्वान होवे, समझदार होवे, तो वो संसार की गति और रीति को, संसार की गति को, मन की गति को, मन की मति, संसार की गति, वो उससे भी छूट सकता है यदि मनुष्य बुद्धिमान है। तो मन की मति को वो समझ पाएगा, संसार की गति को वो समझ पाएगा। बोले मेरा मन कैसे फंस रहा है, मेरा मन कैसे विषयों में बध रहा है, मेरा मन कैसे व्यक्ति में फंस रहा है, वो समझ पाएगा। समझदार है तो श्री राम कृष्णदेव इसलिए कहते हैं, जिसको भूत ने पकड़ा होता है ना, उसको मालूम नहीं होता कि मुझे भूत ने पकड़ा है। जिसको भूत ने नहीं पकड़ा है उसी को समझ में आता है कि हाँ, इस व्यक्ति को भूत ने पकड़ा है। तो जो ना समझ होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमको विषय रूपी रजोगुण तमोगुण रूपी विषयों ने पकड़ लिया है, हमको विषयों ने बांधा है, हम विषय में फंस गए हैं। कामना के कारण कर्म कर रहे थे इसलिए फंस गए, बध गए, दुखी हो गए, वो उसे समझ में नहीं आता है। इसलिए अब यहां पर भागवतकार भगवान भाष्यकार हमें समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, क्या कहते हैं? बोले वैराग्य के लिए परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है। बोले वैराग्य करो, तुम इस संसार से वैराग्य का आश्रय लो। बोले वैराग्य मानी क्या? बाबा जी बन जाना, माथा मुंडन करा करके, लाल पहने, पीले पहने, सफेद पहन ले, कौन से पहने? बोले काले पहने, लीले पहने, पीले पहने, बताइए आप, या भाग जाए जंगल में। बोले वो निराकरण नहीं है। वैराग्य होना मानी क्या है? वो भीतर से होना चाहिए, वो बाहर का लक्षण नहीं है वैराग्य का। जो बाहर का लक्षण है वो तो प्रथम सोपान है। असली सोपान क्या है? दूसरा गूढ़ार्थ, भीतर से वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के लिए परमात्मा को बोले जानने की जरूरत नहीं है। वैराग्य के लिए तो संसार को ही जानना पड़ता है। वैराग्य तभी होगा जब हम संसार को जानेंगे। वैराग्य प्राप्त करना है तो परमात्मा को जानने की जरूरत कतई नहीं है। बोले महाराज कैसे? अरे नारायण तनिक चिंतन करो, हमने जिस जिस वस्तु की कामना की उस वस्तु को या व्यक्ति को या स्थान को प्राप्त करने के लिए हमने कितना कष्ट उठाया, उठाया कि नहीं? बोले हाँ अवश्य उठाया, उठाया। बाद में वो वस्तु व्यक्ति और स्थान हमारे पास सदैव रहा? बोले ना, चला गया। जब उसकी प्राप्ति हुई तब तो बहुत खुशी हुए थे, बस धीरे धीरे वो खुशी मुरझा गई। बोले वो आनंद रहा नहीं। ब्याह करने में बहुत आनंद आया, ब्याह के समय बहुत आनंद आया, वह आनंद नहीं है। संतान का जन्म हुआ तब बहुत आनंद हुए थे, अब वह आनंद नहीं है। संतान जब छोटी थी तब बहुत आनंद देती थी, अब वो तो युवान बन चुका है, उतना आनंद नहीं दे रही है। जब बोले हम चार चक्रीय वाहन खरीदे थे तब बहुत आनंद हुआ था, अब वह आनंद नहीं है। जब हमको पद मिला तब हमको बहुत आनंद हुआ था। कहते नहीं लोग आकर के, स्वामी जी आई गॉट प्रमोशन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्वामी जी हमको बढ़ोतरी मिली है कार्य में। कहते ना, बोले अभिनंदन, अनेकानेक अभिनंदन आपको। जब बढ़ोतरी मिली तब जो आनंद हुआ, अब वह आनंद नहीं है।
संपत्ति मिली थी तब जो आनंद था, अब वह आनंद नहीं है। तो बोले वैराग्य प्राप्त करने के लिए परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य प्राप्त करने के लिए संसार को जानने की आवश्यकता है। संसार को जानने से वैराग्य होता है। बोले जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, ये संसार के रहस्य को नहीं जानते हैं। जो इस संसार में फंसे हुए उस संसार के रहस्य को नहीं जानते हैं, वो तो समझते हैं इसी में आनंद आ रहा है बस। बोले ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। खाओ पियो मजा करो, बोले संतान को जन्म दे दो, बस बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे, बोले जीवन तो यही है ना स्वामी जी। गोविंदा नारायणा विठला, जीवन केवल यह नहीं है, जीवन तो बहुत कुछ है। अब जीवन क्या है, कैसे वैराग्य प्राप्त हो, कैसे हम अग्रसर हो, वो एक भजन के रसास्वाद के बाद उस तत्वार्थ में हम प्रवेश करेंगे। महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में हम प्रवेश करेंगे। भजन जो है रंगदूत महाराज का भजन है, बहुत सुंदर भजन है, उसके शब्द भी बहुत सुंदर है। शब्द है, चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। ये तट गंगा वो तट जमुना, बीच में गोकुल लुभा रहा है। समझिए, चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। चलो राए? चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है। ये तट गंगा वो तट जमुना, 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 बीच में गोकुल लुभा रहा है। बीच में गोकुल लुभा रहा है, बीच में गोकुल लुभा रहा है, बीच में गोकुल लुभा रहा है। स्वासा की बंसी बजा बजा के, स्वासा की बंसी बजा बजा के, वो नाथ हमको बुला रहा है। वो नाथ हमको बुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को, चलो सखीरी पिया मिलन को, नाथ हमको बुला रहा है। नाथ हमको बुला रहा, भगवान बुला रहे, चलो सखी प्रिया मिलन को। गोपियां कह रही है, भक्त कह रहे हैं, आज तो हम पिया मिलन को जा रहे हैं। ये तट गंगा वो तट जमुना, बीच में गोकुल लुभा रहा है। गुडार्थ को पकड़िए, इस तरह तीन नाड़ियां हैं, हम सब लोग जानते हैं। बीच में सुषुम्ना चलती है, इड़ा पिंगला। ये तट गंगा वो तट जमुना, बीच में गोकुल लुभा रहा है। स्वासा की बंसी बजा बजा करे, स्वासा की बंसी बजाइए, प्रति श्वास बंसी बज रही है। वो नाथ ताना लगा रहा है, वो नाथ ताना लगा रहा है। बोलो सखीरी पिया मिलन को, वो नाथ हमको बुला रहा है।
अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, बिचली गली से चलो रे आली, बिचली गली से चलो रे आली, अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, बिचली गली से चलो रे आली, नहीं अंधेरा नहीं उजेरा, नहीं अंधेरा नहीं उजेरा, सुनहरी संध्या सुहा रही है, सुनहरी संध्या सुहा रही है, चलो सखीरी पिया मिलन को, भोलानाथ हमको बुला रहा है, भोलानाथ हमको बुला रहा है, चलो सखीरी पिया मिलन को, भोलानाथ हमको बोले अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, अब आगे पीछे की छोड़ो, पीछा बीत गया जो भूतकाल बीत गया उसको छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, बिचली गली से चलो रे आली। बहुत गुढ़ार्थ है, उस गुढ़ार्थ में प्रवेश नहीं करेंगे, सामान्य व्यवहारिक अर्थ से देखकर आगे जाते इस भजन में। कहते हैं नहीं अंधेरा नहीं उजेरा, वहां पर ना अंधेरा है ना उजेरा है, सुनहरी संध्या सुहा रही है, वहां क्या है सुनहरी संध्या है जो सबको लुभाती है। बोले हम वहां जाएंगे माने कोई द्वंद में नहीं रहेंगे, कोई द्वंद नहीं रहेगा, चलो सखीरी, चलो सखीरी पिया मिलन को, भोलानाथ हमको बुला रहा है, भोलानाथ हमको बुला रहा है। देह की नैया मन हलैया, 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 सूरत सड़िया श्रद्धा भरैया, सूरत सड़िया श्रद्धा भरैया, जलग हरिया तृष्ण तरिया, जलग हरिया तृष्ण तरिया, वो रामा भैया रमा रहा है, वो राम भैया रमा रहा है, चलो सखीरी पिया मिलन को, भोलानाथ हमको बुला रहा है, बोले देह की नैया है, ये देह नैया है, मन हमारा हलैया, हलेसा लगाना पड़ता है, तो बोले मन जो है हलैया है, सूरत सड़िया श्रद्धा भरैया, सूरत सड़िया सड़िया, बोले पाल तो खोलना पड़ेगा ना, किसका पाल खोलेंगे, श्रद्धा का पाल खोल दिया है, और यहां पर क्या है जल गहरिया है, बहुत गहरे जल है, और हम तृष्णा रूपी तरैया है उसमें हम तैर रहे हैं तृष्णा के कारण, अरे वो राम भैया रमा रहा है, वो प्रभु हमारे साथ खेल खेल रहा है, चलो सखीरी पिया मिलन को, भोलानाथ हमको बुला रहा है, काहे को बाते काहे को नाते, काहे को बाते काहे को नाते, कहाँ ल जाते कैसे हो जाते, कहाँ ल जाते कैसे हो जाते, दुई का पर्दा हटा के सारा, दुई का पर्दा हटा के सारा, रंग अकेला जमा रहा है, रंग अकेला जमा रहा है, चलो सखीरी
पिया मिलन को भूनाथ हमको बुला रहा। बोले काहे को बातें काहे को नाते, अब किसकी बात बना रहे हो जी, क्या नाते गोते सब छोड़ो, कहाँ लजाते कहाँ हो जाते किससे लज्जा, और कहाँ हम जा रहे हैं जी। दुही का पर्दा हटा के सारा, अरे द्वैत का पर्दा चीर दिया, अब दो नहीं एक ही है। दुही का पर्दा हटा के सारा, रंग अकेला जमा रहा है, हम तो वहीं पर जम गए हैं। चलो सखीरी पिया मिलन को हमको बुला रहा है। नींद गवाई जाग हराई, नींद गवाई जाग हराई, अखंड आंखें मिल रहा है, अखंड आंखें मिल रहा है, नैनो का तारा श्याम छबीला, नैनो का तारा श्याम छबीला, नैनो का तारा श्याम छबीला, मैं तू पनी को भुला रहा है, मैं तू पने को भुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को भूनाथ हमको बुला रहा है, भूनाथ हमको बुला रहा। बोले नींद चली गई, अब नींद चली गई, अब नींद नहीं है, जाग हराई, अरे जागृत अवस्था का भी हरण कर लिया, अखंड आंखें मिला रहा है, अखंड आंख, ना नींद है ना जागर है, बस और कुछ नहीं है। नैनो का त्यारा श्याम छबीला, हमारे नैनो का तारा कौन है, हमारे श्याम सुंदर है। नैनो का तारा श्याम छबीला, 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 मैं तू पनी को भुला रहा है, मैं तू पने को भुला रहा है। चलो सखीरी पिया मिलन को भूनाथ हमको बुला रहा है, भूनाथ हमको बुला रहा है, भूनाथ हमको बुला रहा है। कन्हैया लाल की।